डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, इस्लाम से बौद्ध धर्म को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद से खतरा मौजूद है, या इसका सबसे कड़ा विरोधी होगा। एक ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो किसी भी रंग का हो या किसी भी पार्टी में शामिल हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठवाद, सामाजिक असमानता की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि यह श्रेष्ठवाद असमानता ही है जिसने ब्राह्मणों को सबसे ऊपर उठाया है और उन्हें सबसे ऊपर रखा है। बौद्ध धर्म समानता को मानता है। बौद्ध धर्म उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति की जड़ पर चोट करता है, इसीलिए ब्राह्मण इससे घृणा करते हैं। यह बहुत संभव है कि यदि ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के आंदोलन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह अपनी शक्ति का प्रयोग इसे नष्ट करने या इसे गलत दिशा में ले जाने के लिए कर सकते हैं। कम से कम हमारे आंदोलन के शुरुआती दौर में उन्हें सत्ता की स्थिति से बाहर करने की सावधानी बहुत आवश्यक है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। धन्यवाद।